बच्चे, तुम जिंदा हो? एक्चुअली ये सब मेरा और आद्या का प्लान था। हमें पता था कि श्रुति सच बता नहीं रही है, तो हम उसको उस लेवल तक लेके जाना चाहते थे जहां वो सबको सच सच बता दे। इसलिए हमने ये मेरे सुसाइड का नाटक किया। जय आद्या, गाइस आई एम रियली सॉरी। करण प्लीज प्लीज डोंट से सॉरी। देखो जो हुआ वो हुआ, उसको भूल जाते हैं। एंड सच बताऊं, अगर तुम्हारी जगह मैं भी होता ना और मेरी बहन के साथ कुछ ऐसा हुआ होता तो शायद मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करता। सो इट्स फाइन। आई एम सॉरी जय, मेरे झूठ की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम हो गई। I'm really sorry. I'm sorry, bhaiya. Karan, please. Already itna kuch seh chuki hai Shruti. Please usse maaf kar do. I'm sure usse khud ko bhi andaaza nahi hoga ki uska ek chhota sa jhoot itna serious ho jayega. Please. सॉरी, हमारी वजह से दोनों फैमिलीज के बीच में बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और रूपा आंटी और दादाजी तो यहाँ हैं, इन्होंने सब सुन लिया। लेकिन आद्या, तुम्हारे पेरेंट्स, हम एक काम कर सकते हैं, हम जाके वहां अभी उनसे बात कर सकते हैं, है ना? उसकी कोई जरूरत नहीं है। जय और आद्या ने मुझे सब कुछ समझा दिया था और इनके पापा को भी मैंने सब कुछ बता दिया है। वो भी किसी से नाराज नहीं है। वो क्या है ना, वो कानपुर टीम में कोचिंग के लिए बहुत बिजी है तो इसलिए आ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने जय और आद्या को अपना आशीर्वाद भेजा है। सी, अब सब कुछ बेटर है, ठीक है सब कुछ। रही बात सगाई की, तो मेरी और आद्या की सगाई तो पहले ही हो गई थी और ये सारी लड़ाई तो बस एक नाटक था। क्या? पर एक बात समझ नहीं आई श्रुति, कि उस दिन एक्चुअली हुआ क्या था? मेरे टेरेस से जाने के बाद कुछ ऐसा क्या हुआ? ऐसी तुम्हारी हालत ऐसी कैसे हो गई? जय, तुम्हें याद है कैफे में मिलने के बाद मैंने तुम्हें लास्ट टाइम मिलने के लिए बुलाया था? मैंने कहा ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। प्लीज स्टे अवे एंड मुझे सोशल मीडिया पे स्टॉक करना बंद करो यार, प्लीज। हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज मुझसे बस एक लास्ट टाइम मिल लो, आई प्रॉमिस उसके बाद मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी। ओके ओके, तुम कह रही हो तो, बट लास्ट टाइम प्लीज। उसके बाद तुम मुझसे मेरे घर की छत पर मिलने आए थे। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अरे फिर वही बात, मैंने कहा ना ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच में। तुमने मुझे लास्ट टाइम मिलने बुलाया तो मैं आ गया। प्लीज, देयर इज नथिंग लाइक दैट। तुम बार-बार प्लीज मुझे कॉल मत करना, इट डजंट लुक गुड। अगर तुमने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया ना तो मैं यहाँ से कूद के अपनी जान दे दूंगी। व्हाट, तुम पागल हो गए? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? यू नो व्हाट आर यू टॉकिंग? ओके बाय। जय मेरी बात सुनो, जय 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 जय। और उसके बाद श्रुति हमें खून से लथपथ मिली। हम उसे हॉस्पिटल ले गए, वहां उसकी जान बच गई लेकिन श्रुति पैरालाइज्ड हो गई। मुझे यह मालूम था कि श्रुति आखिरी बार आपसे मिलने, I'm really sorry जय। It's okay. कहते हैं ना कि all is well when end is well.
अंत भला तो सब भला, so it's fine. लेकिन ये भी तुम्हारी वजह से ही हुआ है जय. थैंक यू सो मच. ये एहसान हम कभी भी नहीं चुका पाएंगे. अरे प्लीज डोंट, ऐसे ऐसे कोई कुछ ऐसा नहीं है, प्लीज ऐसा कुछ मत कहो. जय आद्या, मुझे बहुत गर्व है तुम दोनों पर. आज तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया. आद्या बेटा, मुझे माफ कर दो, गुस्से में जाने क्या क्या भूल गया. अरे दादाजी नहीं नहीं, प्लीज आप सॉरी मत बोलिए. जो हुआ वो सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो कि अब क्लियर हो चुकी है. जय आद्या, ये सब तो ठीक है, लेकिन अब तुम दोनों को हमारी एक बात माननी पड़ेगी. यस. जी बताइए. कौन सी बात? वो वंस मोर एंगेजमेंट करनी पड़ेगी. तुम दोनों ना बहुत बहुत नॉटी, ऐसे क्वाइट क्वाइट एंगेजमेंट कर ली. अब वंस मोर हम सब के फ्रंट में रिंग सेरेमनी करो. वैसे हमारी रिंग्स तो है हमारे पास. चेंज. अब बंदी इतनी हॉट बन के आएगी तो बंदा कहाँ जाएगा बताओ. अच्छा जी. आद्या मुझे लग रहा है आज ना फिर से तुम्हें प्रपोज कर दूं. सो विल यू बी माय गर्लफ्रेंड? सोचना पड़ेगा. अच्छा जी, सोचना पड़ेगा. हाँ, तुम्हारा क्या भरोसा, इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स है तुम्हारी, तुम्हारा क्या पता कल को कोई और पसंद आ गई तो. तुम्हें पता है ना मैं सिर्फ तुम्हें लाइक करता हूँ, तुम्हारे अलावा कोई दिखती नहीं मुझे. मैं कैसे मान लूं? कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? प्रूफ चाहिए? ओके ठीक है, तुम्हें प्रूफ मिलेगा, लेकिन फुल आरजे जय मित्तल सर कम. हेलो दिल्ली वालों, वेलकम टू 104.8 इश्क एफएम. मैं हूं आपका होस्ट आरजे जय और मेरे साथ है मेरी फियांसे आद्या वर्मा. एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो हिट से हॉट कपल ओनली ऑन 104.8 इश्क एफएम. तो आज मिस आद्या मेरे से पूछ रही थी कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं और क्यों प्यार करता हूं. ठीक है, मैं उनको प्रूफ देना चाहता हूं, वो भी सबके सामने. एंड उनसे कुछ कहना भी चाहता हूं. आद्या तुम बहुत प्यारी हो, और जो एक चीज मुझे तुम्हारे बारे में सबसे ज्यादा पसंद है ना, वो ये कि आद्या के लिए अपनी फैमिली सबसे पहले आती है, वो उनके लिए कुछ भी कर सकती है. उनको प्यार देना, उनको इज्जत देना, उनको जोड़ के रखना साथ में, सिर्फ आत्या कर सकते हैं. और उसके आगे अगर उसको अपनी जान भी देनी पड़े ना तो दूसरी बार सोचेगी भी नहीं. और दूसरी बात, वो दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लड़की है, सिर्फ उसकी शक्ल ही नहीं उसका दिल भी उतना ही ब्यूटीफुल है. और तीसरी बात जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, आद्या हमेशा सच का साथ देती है, चाहे उसको दुनिया के खिलाफ जाना पड़े, लेकिन वो वही करती है जो सही है. और उसकी यही बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद है. आद्या वर्मा, आई लव यू. आई लव यू, आई लव यू एंड आई लव यू. Ah!
इसी के साथ हमारा नेक्स्ट हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर कनेक्ट हो रहे हैं, सो उनसे बात करते हैं। हेलो, बताइए आपका नाम क्या है? अरे नाम वाम छोड़िए, नाम में क्या रखा है, ये बताइए टाउन के हॉटेस्ट कपल की शादी कब हो रही है? शादी? हाँ शादी, क्योंकि अब हम लोगों से वेटिंग नहीं हो रही है, तो तुम दोनों ही टेलिंग कर दो कि कैलेंडर पे तुम दोनों की शादी की डेट कब फिक्सिंग की जाए। शादी के बारे में तो हम अभी सोच भी नहीं रहे हैं, पहले हम अपना करियर बनाएंगे, अच्छे से सेटल होंगे, उसके बाद शादी करेंगे। आई होप आपको अपना जवाब मिल गया होगा। अरे बट यार, चलिए इसी के साथ आपके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही रोमांटिक गाना, एंड आज हम दोनों आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि आप प्लीज सुनते रहिए 104.8 इश्क एफएम एंड कीप डूइंग द इश्क बेबी एंड वी विल आल्सो कीप डूइंग द इश्क। जे जे, ये मेरा सपना है। इसे पूरा कर देंगे, खेत पे मैंने कुत्ते नहीं बांध के रखे जो तुम्हें काट लेंगे। वो आदत से मजबूर हो ना। इधर आओ। अरे अरे ये देखो खुद को, इतनी मोटी हो गई हो, फट जाओगी खा खा के। हेलो, मैं द फेमस रूपा मित्तल बोल रही हूँ। मेरा इंटरनेट वाला love.com की ओनर के साथ आज अपॉइंटमेंट है। नो, अब स्लॉट खाली रखिएगा, मैं आ रही हूँ। यस यस। ये क्या बात कर रही हो? पहले तो तुम इस शादी के लिए रेडी नहीं थी और अब तुम शादी कराने के पीछे पड़ी हुई हो। किसी बाबूजी। एग्जैक्टली दादू, प्लीज समझाओ ना, मैं 10 बार मांगूंगा, मना कर चुका हूं, मुझे शादी नहीं करनी है। समझा रहा हूं। एक्सक्यूज मी, तू ना नॉनसेंस बोलना बंद कर और फास्ट फास्ट जाके तैयार हो, मैं वेट कर रही हूँ। बेटा बड़ी हार्ड वर्क के बाद अपॉइंटमेंट मिला है। ओके फाइन, जाके मिल लेते हैं आपकी इंटरनेट वाला love.com के ओनर से। ओके, टू मिनट्स गोइंग मॉम। हाँ जी, विश मी लक। हाँ लक भाई लक, ओए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। वो अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगी मैम। या श्योर। ओह वन मिनट। एक्सक्यूज मी। यस मैम। आई एम द फेमस रूपा मित्तल, मेरी इंटरनेट वाला love.com की ओनर के साथ अपॉइंटमेंट है। श्योर मैम, मैं बात करके आता हूँ, आप तब तक दो मिनट वेट कर लीजिए। वेटिंग? या मैम, जस्ट वन मिनट। एक्सक्यूज मैम, वो लोग आ गए। मैम ओके मैम।
यस आई। चल बेटा, बड़ी हार्ड वर्क के बाद ये अपॉइंटमेंट मिला है। मिस वर्मा, प्लीज बैठिए बाबूजी। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। ये मेरा सन है, जय मित्तल। हाय। हाय। इसकी शादी करनी है। हमने लड़की की भी चॉइसिंग करके रख दी है। ये उसकी फोटो है। ये दोनों ना एक दूसरे से बहुत लविंग करते हैं पर वेडिंग नहीं करना चाहते, और मैं चाहती हूँ कि एट अ टाइम शादी होनी है। हाँ, वो पता नहीं, आपको ना कुछ करके इनकी शादी की अरेंजिंग करनी होगी। बोलिए ना मुझे। मतलब कि तूतियां भिजवानी है, शहनाइयां भिजवानी है, इन इंग्लिश में टकोर करो जरा मुंडे की, समझा करो। मिस वर्मा, मैं अपना बेटा आपके पास छोड़कर जा रही हूँ। आप ना उसके साथ अच्छी तरह से टॉकिंग करना और कन्विंसिंग करना, है? जी। एक्सक्यूज मी। बैठना। चलो चलो जी, मैं घर जाना। Well, अभी तो मैं बिजी हूँ क्योंकि मुझे मेरे बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाना है। सो हम बाद में बात करते हैं। Well, अभी मेरे पास भी टाइम नहीं है क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ डेट है। सो क्या, बाद में बात करेंगे। सो see you later. Yeah, so nice meeting you, Miss Verma. Yeah, I'm RJ Jaimitra. Hi, RJ Jaimitra. Hi. Oh, see you around. Bye bye. क्या हुआ? अभी तक तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं आया? धोखा दे रहे क्या तुम्हें? वैसे धोखा तो आपके साथ भी हुआ है, आपकी गर्लफ्रेंड भी कहीं नजर नहीं आ रही। मेरी गर्लफ्रेंड बहुत जल्द आ जाएगी। एक्चुअली वो अपनी प्रॉमिसेस की बहुत पक्की है, कभी तोड़ती नहीं अपना प्रॉमिस, कहीं अटक गई होगी। लेकिन आपका बॉयफ्रेंड तो बहुत स्टूपिड है, मतलब इतनी हॉट बंदी को वेट करा रहा है, बहुत बड़ा इडियट है। एक्सक्यूज मी, मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में तो कुछ भी मत कहना। ओके, वो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बॉयफ्रेंड है। और वैसे भी वो भी कहीं अटक गया होगा, मैं अभी मैसेज करके उससे पूछ लेती हूँ। या आई आल्सो मैसेज माय गर्ल। कहाँ हो, कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ? रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ। कहाँ हो तुम? रास्ते में हूँ, आ रही हूँ। वो रास्ते में आ रहे, तो जब तक वो आ रहे हैं तब तक एक फॉर्मल इंट्रो हो जाए। Hi, I'm RJ Jaimitra. Adhya Verma. Will you be my girlfriend? मेरे साथ डेट पे चलोगी? जरूर। काम करते हैं, यहाँ से भाग जाते हैं हमेशा के लिए, जहाँ आप चाहें।